नमस्कार दोस्तों, पवन वाघ में आपका स्वागत है। हॉट्स की सीरीज का मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। एक्चुअली वही क्वेश्चन है कल जो हमने किया था। मैंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, मुझे कहीं लगा कि नहीं उसमें कुछ कमियां रह गई, उस कारण से लोगों को समझ में नहीं आया। मुझे बाद में कमेंट्स आए बहुत से लोगों की, सर वो क्लियर नहीं हुआ, किस तरह से लिया था आपने, 4.5 कैसे लिया था, या फिर आपने ये डिस्टेंस कैसे लिया। तो सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ, बहुत सिंपल तरीका है। कुछ मुझसे गलतियां हुई हैं, वो गलतियों का कारण ये है कि लाइव सेशन में कुछ चीजें होती है, कई बार हम बता नहीं पाते, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं फिर से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूं आपको। अ मोटर बोट हुज स्पीड इन द स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। अब देखिए, जब दो यहां पर डिस्टेंस है, दो ए और बी दो प्लेसेस है, क्या बोलता है, इसके ऊपर एक बोट चल रही है, समझ लो यहां पर एक बोट चल रही है, ठीक है, एक बोट यहां पर चल रही है। क्या बोलता है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इन द स्टिल वाटर, इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, हुज स्पीड इन द स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न्स बैक, 30 किलोमीटर जाती है, ओके, पानी का बहाव भी इसी साइड है, ओके, ये डाउन स्ट्रीम 30 किलोमीटर गई है, डाउन स्ट्रीम 30 किलोमीटर गई है और वापस आती है, ओके, 30 किलोमीटर वापस आती है, उसको हम अप स्ट्रीम कहेंगे, ठीक है, बहाव के उल्टी ओर, बहाव किस साइड है, बहाव इस साइड है, ये है फ्लो ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम इस साइड जा रही है, बोट भी इस साइड जा रही है, तो डाउन स्ट्रीम, वापस आएगी तो अप स्ट्रीम, 30 किलोमीटर जाती है, 30 किलोमीटर आती है, 60 किलोमीटर होगा, मैंने एक गलती करी थी उसके लिए माफी चाहता हूं, 30 किलोमीटर जाएगी, 30 किलोमीटर वापस आएगी। अब देखिए क्या होगा, यहां पर दो बातें होगी, अगर पानी थमा हुआ है तो भैया स्पीड देख रखी, लेकिन पानी का बहाव है, कुछ तो भी पानी का स्ट्रीम का कुछ तो भी स्पीड होगा। जब हम नाव में बैठते हैं और जब पानी के बहाव के साथ हम बहते हैं, तो जो बोट की स्पीड है वो और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो प्लस हो जाती है, तो डाउन स्ट्रीम में वो दोनों प्लस हो जाएगी और अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड में से माइनस करेंगे। क्यों बोट की स्पीड में से माइनस करेंगे, भैया बोट की स्पीड ज्यादा होगी, जो बहाव होता है, जो स्ट्रीम का फ्लो होता है उससे ज्यादा, मतलब जो जिस रफ्तार से पानी बह रहा है उससे तेज ही जो हमारी बोट है वो चलती है, ठीक है, इसके लिए 15 माइनस x, मैं आपको बता देता हूं फिर से, चलिए यहां लिखिए, सपोज स्पीड ऑफ बोट, स्टार्टिंग कीजिए जहां से देके रखा है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, उसके बाद क्या है, सपोज स्पीड ऑफ स्ट्रीम x किलोमीटर पर आवर हो गया, ओके, अगर ये x किलोमीटर पर आवर है तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम में क्या स्पीड होगी, स्पीड डाउन स्ट्रीम में ये स्पीड जो बोट की स्पीड है वो और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा, 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड होगी, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम में जाकर वापस आने में, जाने में कितना टाइम लग रहा है, ओके, तो टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम ए टू बी, टाइम टेकन बाय बोट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, पहले केस में टाइम हम क्या ले लेते हैं, T1 ले लेते हैं, डिस्टेंस कितना है 30 है, स्पीड कितनी है 15 प्लस x है, इक्वेशन 1, ठीक है। अब स्पीड इन डाउन स्ट्रीम ये था, अप स्ट्रीम में क्या होगा, माफ कीजिए, अप स्ट्रीम में पानी इस तरह बह रहा है और बोट इस तरह आ रही है, देखिए पानी के बहाव के विपरीत जब आप चलते हैं तो आपकी बोट की स्पीड वो जो स्ट्रीम है उसमें से माइनस हो जाएगी, ओके, उसमें से आपको किसकी में माइनस करना, पानी की स्पीड को माइनस करना है, स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करना है, ठीक है। तो यहां लिखिए स्पीड इन अप स्ट्रीम, स्पीड इन अप स्ट्रीम दैट इज 15 माइनस x। अभी भी एक बात आपको बता दूं, ऐसा क्यों 15 में से ही क्यों माइनस किया, क्योंकि 15 बोट की स्पीड जो पानी के बहाव की स्पीड से ज्यादा ही होती है, हमेशा वो कम नहीं होती, ठीक है, बोट तेज, बोट की अपनी एक स्पीड है, ठीक है,
और इसके लिए यहां पर स्पीड इन अपस्ट्रीम क्या होगा 15 - x, तो यहां टाइम कितना लगेगा, यहां टाइम लगेगा अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इसको आप ले लो t2 कितना लग रहा है, t2 लग रहा है भैया स्पीड डिस्टेंस है 30 और स्पीड कितनी है 15 - x, ये हो गया नंबर 2। अच्छा वो क्या बोलता है कि 30 किलोमीटर जाता है और 30 किलोमीटर वापस आता है और इसमें जाने और आने में कुल मिला के कितना टाइम लगता है 4.5 आवर, ओके 4 घंटे 30 मिनट टोटल टाइम टू गो फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए इज 4 आवर 30 मिनट्स। तो टोटल टाइम लिख लीजिए, यहां पर टोटल टाइम में क्या लिखेंगे, 4 आवर को लिखेंगे ऐसा का ऐसे ही, 4 आवर को आप 4 आवर का 4 आवर लिख लीजिए, ठीक है, और 30 मिनट्स को आप लिख लीजिए 30/60 आवर्स, ठीक है। क्या हो जाएगा ये टोटल टाइम, मतलब t1 + t2 4 आवर्स का 4 आवर्स रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा 1/2, तो इसको 1/2 आवर कर लो, मतलब क्या हो गया 4 + 1/2, मतलब क्या हो जाएगा 4 × 8 = 1, 9/2 लिखेंगे इसको। अच्छा t1 कितना है, t1 है भैया ये वाला 30/15 + x, और t2 क्या है 30/15 - x, ठीक है। ये हमने t1 t2 की यहां पर वैल्यू पुट कर दी, अब क्या करेंगे 30 को कॉमन निकाल लो, यहां क्या बचता है 1/15 + x + 1/15 - x इज इक्वल टू 9/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये 30 का 30 क्रॉस करेंगे तो आएगा 15 - x, इधर जाके होगा 15 + x, और नीचे दोनों का a + b a - b, तो a स्क्वेयर मतलब 15² - b² इज इक्वल टू 9/2, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा 2 × 30, एक्स एक्स कैंसल, अगेन ये भी 15 15, ये भी 30 हो गया, इज इक्वल टू 9, ये हो गया 15² = 225 - x², कितना हो गया भैया 30 30, 900 × 2, ये हो गया 900 × 2 इज इक्वल टू 9 220 - x², 9 से कैंसिल हो गया 100 टाइम्स। आप बोलेंगे ऐसे कैसे काटा, तो आप इसको उसके अकाउंट में देके काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या बचाइए 100 × 2 200, 225 - x², तो एक्स स्क्वायर को इधर भेज दो, 225 में से 200 माइनस कर दो तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 25, तो एक्स आ जाएगा भैया एक्स स्क्वायर 5² के इक्वल, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 5। ऐसे है, यहां क्या हुआ था कल की जो लाइव सेशन में थोड़ा जल्दी में भी गलतियां हुई है, मतलब जल्दी में था मैं इसलिए कुछ मतलब ये हुआ, और कल का लाइव सेशन लेट शुरू हुआ था, लेकिन देखिए दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप जब डाउन स्ट्रीम, नाम उल्टा है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड बड़ी होती है और अपस्ट्रीम में स्पीड कम होती है, ये समझ लीजिए। तो यहां हमें स्पीड देकर रखी थी बोट की, तो हमने यहां पर डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड निकाल ली, स्पीड जो दी थी 15 थी, हमने स्ट्रीम की स्पीड निकाल ली सपोज कर ली थी एक्स, तो डाउन स्ट्रीम में 15 + x और अपस्ट्रीम में 15 - x, उन दोनों का हमने टाइम निकाल लिया बाय डिस्टेंस फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, क्या होता है स्पीड इज इक्वल टू, यहां लिखता हूं मैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो मैंने टाइम को इधर भेज दिया और डिस्टेंस को यहां भेज दिया, उससे ये फार्मूला आया, फिर यहां वैल्यू पुट कर दी, उसी तरह से t2 निकाला, t1 t2 का प्लस 4.5 घंटे आ रहा है, अभी कॉमन वाली बात है 4 आवर 30 मिनट्स, 4.5 घंटे अपनी भाषा में जो बोलते हैं उसको डायरेक्ट आप 4.5 भी लिख सकते थे तो भी चलता, 9/2 लिखा है मैंने, आप उसको 4.5 लिखेंगे तो भी यू विल गेट द आंसर, ओके उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो टेक दिस स्क्रीनशॉट। तो देखा दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल एक क्वेश्चन है, सिर्फ ये है कि इस तरह के जब भी क्वेश्चन आपको आएंगे बहुत सोच समझ के और आराम से आपको करना है, क्योंकि इसके मार्क्स फ्री के हैं, हमें तरीके से अगर करते आता है तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स हमारे हाथ से चले जाएंगे। मैं फिर से आपसे माफी चाहूंगा कल के सेशन के लिए, लेकिन हाँ मैं इसी तरह के वीडियोज आपके लिए, क्वेश्चन आपके लिए शेयर करते रहूंगा ताकि आपको मदद होती रहे, ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, देखते रहे पवन वाघ एकेडमी, धन्यवाद।